नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ कांग्रेस पार्टी की बैठक राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव कुलदीप इंदौरा के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में नगरपालिका चुनावों में होने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अब 25 वार्डों से बढ़ाकर 35 वार्ड कर दिए गए हैं। इससे शहर का भरपूर विकास होगा तथा कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होगी, कार्यकर्ता की भावना का सम्मान होगा, वार्ड वाइज सर्वे करवाया जाएगा, कार्यकर्ताओं से दावेदारों को नबज टंटोली, उच्च स्तर के नेता भी फीडबैक लेंगे। बैठक में दीवान चंद चुग, इंदिरा शिवरान, भगवान सिंह, हेतराम जियाणी, जसविंदर सिंह संधू, भजन लाल कामरा, निर्मला गोदारा, कुलदीप इंदौरा, राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव रामदेवी बावरी, कांता देवी, अमर कौर, गायककार सुप्रीत संधू, विजय चराणा, पूर्व पार्षद साबराम नायक पवन, पूर्व पार्षद गुरलाल बराड़, सरपंच शंकरलाल बादू, अध्यक्ष ट्रक यूनियन अशोक, शैलेंद्र सिंह मल्ली, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साहिल कामरा, हाजी हुसैन, राजाराम कुलड़िया तथा मंच संचालन प्रकाश सिंह जोशन ने किया। एवं टिकट दावेदार 35 वार्डों में से टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों ने भाग लिया। नगर पालिका चुनाव को लेकर आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यहाँ अनूपगढ़ के वो सब भी यहाँ बैठे हैं और सभी ने यहाँ चर्चा की है कि जो जीतने वाले मजबूत उम्मीदवार, टिकाऊ उम्मीदवार हों, उनको हम टिकटें दें। और उसी संबंध में यहाँ के सब कार्यकर्ताओं के फीडबैक लिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेंगे। और वापस लगातार यहाँ 15 वर्षों से कांग्रेस का बोर्ड बनता है और अब की बार भी यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो भी चेयरमैन रहे उन्होंने यहाँ विकास कार्यों को हमेशा प्राथमिकता दी, लोगों की समस्याओं को दूर करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया है। और इसी उम्मीद के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाला समय यहाँ निश्चित तौर पे कांग्रेस का बोर्ड बनेगा।